वेलकम दोस्तों, यह है आपका ई टैब 2015 ट्यूटोरियल सीरीज डे वन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये देखिए, आपका ये ई टैब है और इसमें जो व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी वर्किंग विंडो है, और आपके लेफ्ट साइड में कुछ टूल्स हैं और ऊपर कुछ टूल्स हैं, और एक आपका ये मॉडल एक्सप्लोरर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक किया हमने। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं, ये सेव पहले से मॉडल है उसको सेव के लिए बोल रहा है, मैंने नो कर दिया। उसके बाद एक विंडो आ जाती है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है इस विंडो में, यूज सेव्ड यूजर सेटिंग, यानी जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेव है इसमें, जैसे कि इसमें यूएसए की एमआई मेट्रिक यूनिट सेव है, इंग्लिश सॉरी इंग्लिश यूनिट सेव है, तो वो यूनिट्स आ जाएंगी और वो सेटिंग्स आ जाएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि पहले से मेरा एक मॉडल सेव है किसी सेटिंग में, मान लीजिए एसआई सेटिंग में, और मैं चाहता हूँ कि उसकी सेटिंग आ जाए इसमें, तो हमारे पास है कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अगर हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो पूछेगा हमसे ओके करने पर कि वो कौन सी फाइल है ई टैब की जिससे आप सेटिंग इंपोर्ट करना चाहते हो। ध्यान से सुनिएगा, सेटिंग ओनली, नॉट मॉडल। अगर हम उस मॉडल को ओपन करेंगे तो उसकी केवल सेटिंग आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ओके करते हैं। ओके करते ही देखिए, ओपन के लिए पूछ रहा है कि आपको कौन सी वो ई टाइप की फाइल है जिसकी आप सेटिंग इंपोर्ट करना चाहते हो, ओनली सेटिंग। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारा कि आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से कोड सेलेक्ट करने हैं, कौन सी यूनिट सेलेक्ट करनी है। जैसे ये मैंने एसआई यूनिट सेलेक्ट कर ली, इंडियन सेक्शन और स्टील कोड सेलेक्ट कर लिया इंडियन, और हमने आरसीसी, और उसके बाद हम आरसीसी सेलेक्ट करें, ओके कर देते हैं। देखिए, ओके करने के बाद एक बड़ी सी विंडो आ रही है। इस विंडो को हम एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले वाला जो आप बॉक्स देखोगे वो है आपका ग्रिड डायमेंशन। ओके, तो ग्रिड डायमेंशंस सिर्फ को बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो विंडो आई है, इस विंडो से हम बनाते हैं ग्रिड। दरअसल ई टैब में होता क्या है, कोई भी हमें मॉडल बनाना है तो उस मॉडल को बनाने के लिए पहले हमें एक ग्रिड बनानी होगी, फिर उस ग्रिड की हेल्प से उस ग्रिड के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो उस ग्रिड को बनाने के लिए ये विंडो आई है। जैसे हम यूनिट को ओके करा हमने, ये विंडो आ गई। तो फर्स्ट बॉक्स जो है इसमें आ रहा है ग्रिड का प्लान। प्लान होता है आपका टॉप से जो देखते हैं, टॉप व्यू। तो टॉप से हम ग्रिड को देखेंगे तो कुछ लाइंस नजर आएंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। ई टैब में हमारा जो प्लान होता है वो एक्स और वाई में होता है, और जो हाइट होती है, एलिवेशन होता है, वो जेड में होता है। ओके, तो सबसे पहले इस बॉक्स में देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितनी लाइंस चाहिए आपको। डिफॉल्ट इसमें 4 है। उसके बाद नंबर ऑफ लाइन इन वाई डायरेक्शन 4 है, इसको चेंज कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। उसके बाद स्पेसिंग पूछ रहा है कि हर एक लाइन के बीच में कितना स्पेस है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कितना स्पेस है इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 मीटर कर दिया। उसके बाद हमारा है वाई डायरेक्शन में कि हमारा हर वाई डायरेक्शन जितनी भी लाइन है उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है। अब देखिए, एक्स डायरेक्शन में हमारी स्पेसिंग कितनी, 5 मीटर, और नंबर ऑफ लाइन कितनी है एक्स डायरेक्शन में, 4। इट मीन्स टोटल लेंथ कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, 4 × 3। 3 मीन्स बिकॉज 4 लाइन है, इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ स्पैन 3 है, और ईच स्पैन 5 मीटर, यानी कि 5 × 3 15 मीटर का हमारा एक्स डायरेक्शन लेंथ है। इसी तरह वाई डायरेक्शन हमने लेंथ कर दी है स्पैन की 4 मीटर, और नंबर ऑफ लाइन 4 है, तो उसकी हमारी टोटल लेंथ हो गई 4 × 4 16। ओके कर दिया। देखिए, ये दो विंडो आ गई हैं, एक 3D और एक प्लान की। अभी हम केवल प्लान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, ये एक एक टूल और एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इसमें। तो ये हमारा प्लान है। तो आप देख सकते हो उस प्लान में कि हमारे पास लाइंस हैं एक्स डायरेक्शन में,
फोर लाइन्स है, और नंबर ऑफ स्पैन की डायमेंशन दिखा रहे हैं, देखो 5 5 5 मीटर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 15 मीटर। उसके बाद वाई डायरेक्शन में कितनी लाइन्स है हमारी, 1 2 3 4 5, और हमारे पास नंबर ऑफ स्पैन कितने हो गए 4। जितनी लाइन्स उसमें से 1 माइनस कर दीजिए उतने स्पैन हो जाएंगे, और ईच स्पैन 4 मीटर का है तो कितना हो गया 4 × 4 16 मीटर लेंथ हो गई हमारी उसकी। तो यह है हमारा प्लान। अब देखिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं हम, आप यहाँ पे नीचे देखिए जरा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिखाता है। जब मैं माउस ओरिजिन पे ले गया तो एक्स जीरो वाई जीरो दिखा रहा है, और जेड में कुछ वैल्यू दिखा रहा है, बिकॉज हमारा टॉप व्यू किसी फ्लोर का है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई या 3 फ्लोर डिफॉल्ट बन गई है, हम स्टोरी की बात नहीं करेंगे, तो उतना दिखा रहा है जेड में। या फिर हम ऐसा करते हैं, इसको प्लान को चेंज कर लेते हैं। तो हमने प्लान पे क्लिक किया और बेस पे गए, अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब हम ओरिजिन में मैंने कट से ले गया तो वहाँ देखिए सारी चीज़ें जीरो दिखा रहा है, और ऊपर ले गया हूँ तो देखिए वाई कितना दिखा रहा है 16 मीटर लेंथ, और अगर हम एक्स में जाएंगे तो देखिए कितना दिखा रहा है 15 मीटर, और ये हमारे स्पैन्स हैं। ये देखिए आप बबल्स में कुछ आईडीज लिखी हुई हैं, ए बी सी डी, ये हमारी ग्रिड लाइंस की आईडीज होती हैं, ए बी सी डी नेक्स्ट डायरेक्शन और 1 2 3 4 इन वाई डायरेक्शंस, ये है हमारी ग्रिड की आईडीज। इन आईडीज को हम चेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दोबारा से हम न्यू फाइल करते हैं, ओके करते हैं, और दोबारा हम प्लान के बॉक्स को जानते हैं। देखिए उसके बाद हमारा एक बटन और है इसमें प्लान के बॉक्स में, क्या नाम है उसका, ग्रिड लेबल्स। तो हम ग्रिड लेबल्स पे एक बार क्लिक करते हैं, ग्रिड लेबल्स यानी ग्रिड की जो आईडी मैंने बताई थी आपको ए बी सी डी, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ग्रिड को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो और इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया ये लेफ्ट राइट और ओके किया, अब देखिए आपका जो है ना यहाँ राइट से स्टार्ट हो गया आपका ए बी सी डी एक्स लाइन की ग्रिड्स, ठीक है। हम इस ग्रिड्स को मॉडल बनाने के बाद अंदर से भी टैब में कर सकते हैं चेंज, बट हम फर्स्ट डे है अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, तो हम न्यू फाइल करते हैं, ओके किया, क्लियर। तो ग्रिड है यहाँ पे, हम एक चीज और करके देख लेते हैं, इंटरचेंज हमने यहाँ पे डाल दिया 1 और वाई डायरेक्शन में हमने डाल दिया के। तो वाई डायरेक्शन आईडी स्टार्ट कहाँ से होगी, के से, और एक्स डायरेक्शन में 1 से, ये देखिए। तो हम आईडी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं न्यू फाइल ओपन, ठीक है। अब देखिए जो हमारी ग्रिड है इसमें दो ऑप्शन है, एक तो यूनिफॉर्म है और एक कस्टम है इस ग्रिड बॉक्स में। उस ग्रिड बॉक्स में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यूनिफॉर्म और सेकंड है कस्टम। जैसे हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यूनिफॉर्म की जो है वो लॉक हो जाती हैं, बिकॉज यूनिफॉर्म जो है हमारा वो यूनिफॉर्म स्पेसिंग का है, यानी कि हमने जैसे कि एक्स डायरेक्शन में स्पेन डाला था, स्पेसिंग डालती 5 मीटर, तो एक्स डायरेक्शन में सारे स्पेन 5 5 मीटर के हो गए थे। बट अगर हमें ऐसी ग्रिड बनानी है जिसमें एक स्पेन 5 मीटर का हो, उसके अगला नेक्स्ट स्पेन 4 मीटर का हो, उसका नेक्स्ट 3 मीटर का हो, तो उसके लिए हमें कस्टम में जाना होगा, उसके बाद हमारी यूनिफॉर्म काम नहीं करेगी। तो हमने कस्टम ग्रिड पे हम स्पेसिंग पे गए, क्लिक किया तो हमारी यूनिफॉर्म लॉक हो जाती है। उसके बाद एक बटन आता है कस्टम का, उस पर क्लिक करेंगे एक और विंडो आ जाती है। घबराइए मत इस विंडो को देख के, बहुत इजी है इसको समझना। देखिए फर्स्ट बॉक्स में इसमें है G1 और लॉक है, यानी कि वो क्या है हमारी जो हमारी ओरिजिन है ग्रिड का उसके और लॉक किया हुआ 000, और इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है इमेज ग्रिड की, और इसमें कुछ एक बबल साइज लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे बबल का डायमीटर mm में। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ग्रिड की स्पेसिंग है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे बबल ओवरलैप कर जाते हैं और हमें आईडी नहीं देख पाते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, बबल का साइज कम कर सकते हैं या हम ज़्यादा कर सकते हैं बबल का साइज। तो मैंने देखिए यहाँ 2000 किया और मैंने कहीं और क्लिक किया तो बबल का साइज बड़ा हो गया। उसी के नीचे है आपका ग्रिड कलर, क्या होता है हमारी ग्रिड ग्रे कलर की होती है, और ग्रिड के ऊपर जब हम बीम या कॉलम ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमारी कलर ग्रे होगा,
तो मुश्किल हो जाता है पहचानना कि कौन सा हमारा बीम है, कौन सा हमारा ग्रेड है। हमें वहाँ उसे क्लिक करके देखना पड़ेगा, अगर वो सिलेक्ट हो रहा है तो बीम या कॉलम में मेंबर है, नहीं हो रहा है तो वो है। तो इसलिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने ब्लू कलर कर दिया ग्रिड का, अब हम ड्रॉ करेंगे ग्रे कलर के बीम या वो, तो आसानी से पहचान जाएंगे। उसके बाद नीचे दो टेबल्स हैं, एक एक्स ग्रिड की है, एक वाई ग्रिड की है। एक्स ग्रिड में हमें ID दी हुई है, ABCD चार हैं, और भी ऐड कर सकते हैं, उनकी स्पेसिंग दी हुई है 0, 8, 16, 24, यानी कि 8 मीटर ईच। मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैंने 8 को चेंज कर दिया। अब मैं 8 को चेंज करूँगा तो देखिए इमेज में, देखिए जो कॉर्नर पे इमेज बनी हुई है, जैसे मैंने चेंज किया देखिए यहाँ पे ग्रिड चेंज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह हम ग्रिड को नॉन यूनिफॉर्म बना सकते हैं, और इसी तरह वाई में भी नॉन यूनिफॉर्म बना सकते हैं ग्रिड को। अब देखिए यहाँ बबल ओवरलैप हो गए, तो बबल का साइज कम कर देते हैं, ये हो गया कम। ठीक है, अब हम वाई में भी ऐसी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, हम ग्रिड के स्पेसिंग को नॉन यूनिफॉर्म बना सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि और लाइंस ऐड हों, तो हम यहाँ पे ऐड का जो बटन है उस पर क्लिक कर कर हम और भी लाइंस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए आ गए हमारी ग्रे कलर, ब्लू कलर नो और नॉन यूनिफॉर्म। तो आज के डे फर्स्ट में हम केवल प्लान के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम डिटेल में जाएंगे सॉफ्टवेयर के, एक एक टूल्स के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे इस सीरीज़ में हम। उसके बाद हम सिविल इंजीनियरिंग के अदर सॉफ्टवेयर, ई टैब, स्टैट प्रो, एनसिस, अबाकस और जितने भी सॉफ्टवेयर, सबकी सीरीज लेके आएंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स, और ये सारी सीरीज हिंदी में होगी। अगर आपको इन वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।